फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर्स माइंड। मैं हूं इंजीनियर प्रकाश और आज मैं आपको एक्सेल से जुड़ी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंजीनियर्स माइंड। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करें चैनल इंजीनियर्स माइंड को और बेल आइकन जरूर दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स देखने के लिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो एक्सेल का एडवांस फिल्टर है उसके बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने बेसिक जो फिल्टर के बेसिक्स हैं उसके बारे में बताया था, लेकिन इस वीडियो में आपको जो एडवांस फिल्टर कैसे लगाते हैं, किस तरह से लगा सकते हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं इसके बारे में बताऊँगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये एक डेटा लिया हुआ है, इस शीट में आप देख सकते हैं, जिसमें मेनली 3 हेडर्स हैं, चैनल, प्रोडक्ट और एक प्राइस है। ये 3 हेडर्स हैं। अब इसमें हम देखिए कि नॉर्मल जो हम लोग फिल्टर लगाते हैं उसमें क्या करते हैं, सिंपल कंट्रोल शिफ्ट एल जो भी हमको अगर लगाना है यहाँ पे सपोज, तो हम सिंपल कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन प्रेस करके हम एक फिल्टर लगा लेते थे और यहाँ से हम जो भी क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लेते थे। लेकिन इसमें होता क्या था, जैसे हमने यहाँ में चैनल में स्टोर सेलेक्ट कर लिया, ये हमने स्टोर सेलेक्ट कर लिया, लेकिन ये पता नहीं चलता था जब तक हम यहाँ पे देखेंगे नहीं कि क्या हमने सेलेक्ट किया, ऐसे पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सी वैल्यू सेलेक्टेड है। ऐसे ही प्रोडक्ट में भी हमको अगर हमने कोई एक सेलेक्ट कर लिया, सपोज हमने वाइट शर्ट सेलेक्ट कर लिया, तो ये हेडर को देख करके पता नहीं चलता है कि इसमें हमने क्या फिल्टर लगाया हुआ है। ये एक इसका डिसएडवांटेज है और इसको एडवांस फिल्टर में हम देख सकते हैं कि हम क्या क्या क्राइटेरिया फिल्टर पे लगा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे देखते करते हैं। अब यहाँ पे हम कहीं पे भी, जैसे यहाँ ये हमारा ये जो डेटा है ये कंप्लीट डेटा यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्राइटेरिया अपनी लिख सकते हैं। तो जो हेडर है उसको सबसे पहले लिखते हैं। हेडर केस सेंसिटिव नहीं होता है, आप चाहें तो स्मॉल में लिखें, चाहे तो आप कैपिटल में, जैसे भी आप चाहें वैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप जो हेडर है उसको आपने लिखा, उसके बाद उस जो भी वैल्यू आपको चाहिए, सपोज हमको स्टोर चाहिए तो हमने स्टोर लिख दिया। अब हम यहाँ पे जाएंगे मेनू में और यहाँ डेटा में जा करके यहाँ पे देखिए एडवांस का ऑप्शन है। एडवांस में दो क्राइटेरिया है, आप फिल्टर इन प्लेस है या अनदर लोकेशन, हमको यहीं पे फिल्टर आउट करना है। तो इसमें दो चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं। ये तो यह है कि जो लिस्ट रेंज है, लिस्ट रेंज में आप कौन सा टेबल है जिसपे आप फिल्टर लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको ये टेबल लेना तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, B2D कॉलम यहाँ पे देखिए आ गया शीट 5 का। अब दूसरा जो है, जो फिल्टर लगाते हैं वो क्राइटेरिया रेंज है। इस क्राइटेरिया रेंज को सेलेक्ट करने के लिए सिंपली जो आपने पहले ये आप देख सकते हैं कॉलम जी में जो आपने हेडर लगाया हुआ उसमें आप सिंपली ये चैनल एंड स्टोर ये वैल्यू आपने सेलेक्ट कर लिया और आप अप्लाई कर दिए। देखिए जो भी चैनल में स्टोर की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग यहाँ में डेटा आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने चैनल हेडर पे स्टोर को सेलेक्ट किया हुआ है। उस वाले में जो बेसिक फिल्टर हम लोग पहले लगाते थे उसमें पता नहीं चलता था कि चैनल में क्या सेलेक्टेड है। और इसके साथ और भी हम कोई क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। सपोज हम चाहते हैं कि चैनल में स्टोर आए और जिसकी प्राइस जो है यहाँ पे प्राइस की वैल्यू, सपोज हमको प्राइस की वैल्यू चाहिए ग्रेटर देन 400, ये हमने क्राइटेरिया लगा दिया। अब हम एडवांस में जा करके और इसको जो लिस्ट रेंज है वही रहेगी, जो ये क्राइटेरिया रेंज है उसको हम अपडेट कर देते हैं और हम इसको अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए जो भी चैनल में स्टोर है और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्राइस 400 से ज़्यादा है वही वैल्यू यहाँ पे आ गई है, आप यहाँ में ये चीज़ें देख सकते हैं। तो ये इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो कॉलम में वैल्यू, जैसे चैनल एंड प्राइस, ये एंड का रिलेशन है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दोनों चैनल एंड प्राइस, मतलब चैनल की जो वैल्यू है वो स्टोर हो और प्राइस की वैल्यू ग्रेटर देन 400 हो। चैनल वैल्यू शुड बी स्टोर एंड प्राइस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 400, मीन्स एंड यहाँ में जो फिल्टर क्राइटेरिया वो एंड का है। और अगर हमको आर का क्राइटेरिया लेना है तो हम यहाँ पे चैनल वैल्यू, जैसे हमने देखा फैक्ट्री,
अगर हम यहाँ पे देखिए स्टोर है और फैक्ट्री आउटलेट, स्टोर और फैक्ट्री आउटलेट हम लेते हैं और प्राइस कुछ भी रख देते हैं। अब इसको हम फिर से अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए चैनल जो हेडर है उसमें स्टोर आइदर स्टोर आर फैक्ट्री आउटलेट दोनों को सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये जो रो है, रो में आप देखेंगे जो वैल्यू स्टोर आर फैक्ट्री आउटलेट, आर का रिलेशन होता है, जो कि कॉलम, जबकि कॉलम में आपको एंड का रिलेशन, चैनल एंड प्राइस। तो ये एक अच्छा फीचर है इसमें एक्सेल में, एडवांस फिल्टर जिसको हम कहते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या वैल्यू सेलेक्ट किया हुआ है। इसका एक और जो एक और इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है एडवांस फिल्टर में, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। ये हमने क्लियर कर लिया। अब इसमें एक ऑप्शन है, आप देखिए डेटा में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली। अब सपोज हमको ये टेबल है, इसमें यूनिक रिकॉर्ड्स निकालने, तो हम सिंपली एडवांस में जाएंगे और यहाँ पे आपको जो लिस्ट रेंज है उसमें सपोज ये चैनल, चैनल का जो यूनिक रिकॉर्ड है वो चाहिए आपको, तो आपने ये सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ से सिंपली क्राइटेरिया रेंज की ज़रूरत नहीं है, आप यूनिक रिकॉर्ड्स कर देंगे तो आपको यहाँ में ये वैल्यू यूनिक रिकॉर्ड्स की आ जाती है। ये दो ही रिकॉर्ड्स हैं इसमें, स्टोर एंड फैक्ट्री आउटलेट। तो यहाँ से आप यूनिक रिकॉर्ड्स भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हम अभी हमने देखा जो एंड और आर का कॉम्बिनेशन है, कैसे हम क्या क्या फिल्टर लगाए हैं उसको देख सकते हैं और कैसे हम यूनिक रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं, ये एडवांस फिल्टर के कई अच्छे फीचर्स हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सेल के ऊपर ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा अपने लाइक्स एंड कमेंट्स के थ्रू मुझे जरूर बताएं। एंड प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंजीनियर्स माइंड।